फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज के वीडियो में लगाने वाले हम लोग फिर मैथ के लिए टेस्ट सीरीज, ओके, जो कि आपको एनटीपीसी ग्रुप डी एंड एमटीएस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कहता है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, प्रति माह 1200 रुपया बचा सकता है, उसका मासिक खर्च क्या है। यहाँ पे क्या है, आपका परसेंट में दिया गया है खर्च और रुपये में दिया गया है कि कितने रुपये वो बचा सकता है, और आपसे पूछा गया है कि उसका मासिक खर्च, ये जो परसेंट में दिया गया ना, इसका एग्जैक्ट आपको बताना है कि कितने रुपये वो खर्च करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो पूर्णांक में दिया गया है, लेकिन अगर जैसे सपोज कीजिए दिया रहता क्या कि 20% अगर खर्च करता है तो बचाता कितना, 80%, तो ये थोड़ा इजी हो जाता हमारे लिए। लेकिन यहाँ क्या है, दिया गया है पूर्णांक में। तो सबसे पहले हम इसे तोड़ेंगे, 66.2/3%, इसे जब पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 200/3%। तो बटे हम 300 लिख देते हैं क्योंकि परसेंट इसका नीचे आ जाएगा। अब ये 0 0 कट गया, तो इसे अगर भाग की बात करें कि तो कितना हो जाएगा, ये 2/3 भाग खर्च करता है। ये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, अगर हम टोटल खर्च को एक्स मान ले तो ये हो जाएगा कितना, इतना एक्स खर्च करता है तो बचाता कितना है, बचाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि x/3, ये इतना रुपया बचा रहा है, ओके, भाग में, और रुपये में कितना बचा रहा है, 1200 रुपया। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3600 रुपया, यानी कि उसका ना टोटल जो मासिक आय है वो है 3600 रुपया, लेकिन आपसे खर्च पूछा गया, तुम लोग खर्च निकालेंगे, तो 3600 का खर्च कितना करता है, 2/3 भाग। अब इसे कट कर दीजिए, कितने बार में कटेगा, 1200 बार में, आंसर कितना आ जाएगा, 2400 रुपया। तो यहाँ पे देखिए आपका 3600 भी ऑप्शन में दे दिया गया था, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आय नहीं पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है कि खर्च कितना करता है, तो खर्च करता है 2400, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित मूल्य ए पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है, यदि वह इसे दोगुनी कीमत पर बेचे तब उसका परसेंटेज लाभ पता है आपको, ये बताना है कि कितना होगा। अब देखिए, कोई निश्चित मूल्य ए पर बेचता है, यानी कि कोई इसका विक्रय मूल्य दिया नहीं गया है, तो आप सपोज कीजिए कि सीपी को मान लीजिए 100, और अगर आपको बेचने से 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आप उसे बेच कितने में रहे, 120 में, लेकिन अब कहता नहीं आप जितने में बेच रहे हैं उससे दोगुनी कीमत में बेचे, तो दूसरा वाला जो एसपी है इससे दोगुना हो जाएगा, यानी कि 240 हो जाएगा, तब बताना है आपको लाभ कितना होगा। आपने खरीदा 100 में और बेचा 240 में, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 140 का प्रॉफिट, चूंकि 100 में ही है तो हमें परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, और नहीं तो आप निकालिए ना, 140/100 × 100 आपका 140 ही आएगा, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 140% का, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 4,624 रुपया और 3 वर्ष में ना 4,913 रुपया दान करती है, तो वह राशि बताइए कि क्या है। इसके लिए ना आप सबसे पहले रेट निकाल लीजिए। देखिए, 3 वर्ष में हो जाता है कितना, 4913, और 2 वर्ष में जो है हो जाता है 4624। चूंकि एक ही वर्ष का फासला है, तो एक वर्ष में जितने भी रुपये बढ़े वो उसका क्या हो गया, सीआई ना, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, तो इसे माइनस कीजिए, तो कितना आ जाएगा, माइनस करने पे यहाँ पे इस पे माइनस कीजिएगा ना, तो 289 आ जाएगा। अब रेट निकालना है, तो 289/4624 × 100 यहां से निकल जाएगा आपका रेट। इसे कट करेंगे ना तो ये 16 टाइम में कट हो जाएगा, इसे 4 से कट करें, 4 टाइम में ये 25, यानी कि 25/4% इसका क्या निकल गया, रेट निकल गया। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम फॉर्मूले से चलेंगे और हम इसे धनराशि निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला A/P यानी अमाउंट बाय प्रिंसिपल हो जाएगा इक्वल टू 1+R/100/T। इसी पे चलते हैं हम लोग, अमाउंट आप कोई भी ईयर का लेके चलिए, 2 ईयर का मैं लेके चल रही हूँ, तो 4624 ये अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल आपको निकालना है,
और यहाँ पे 1 + r/100 यानी 1 + 25/4, और 100 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 400 ये हो जाएगा, और पावर कितना 2, क्योंकि 2 वर्ष का ही हमने लेके चला है। 4624/p हो जाएगा, यहाँ पे आप कट कर दीजिए इसे 25 से, तो कितने टाइम में कट जाएगा, या 5 से पहले काटिए इसे, फिर इसे कट कर दिए 5 से, तो 16 टाइम में कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 17/16, स्क्वायर है तो क्या होगा डबल टाइम हो जाएगा। 4624/p 17 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 289, और 16 का अगर स्क्वायर करते हैं, या इसे अभी रहने दीजिए, एक ही बार हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे कट करें तो 16 टाइम में ये कट हो जाएगा। अब p बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का क्या हो गया, क्यूब हो गया, और 16 का क्यूब होता है 4096 यानी कि 4096 होता है। तो प्रिंसिपल ये पूछा जा रहा था, तो प्रिंसिपल कितना निकल गया हमारा, 4096 रुपया निकल गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है राम एक घड़ी 200 रुपये में खरीदता है, यदि वह 50% का मुनाफा 50% छूट देकर कमाना चाहता है तो उसे इसका अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। देखिए सीपी हो गया यहाँ पे 200 रुपया, अब कहता है कि उस पर वो 50% का मुनाफा यानी कि लाभ प्रॉफिट कमाना चाहता है, कब 50% छूट भी देना चाहता है कि 50% मैं छूट दूं तब जाके मुझे 50% का प्रॉफिट हो जाए, तब बताइए कि अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए उसे। तो देखिए 200 रुपये में खरीदा और अगर प्रॉफिट 50% का चाहिए तो बेचेगा कितने में, इतने में बेचेगा, ये हो गया इसका एसपी। अगर मार्केट प्राइस को मार्केट प्राइस ही मैंने रहने दिया, इसी पे वो छूट देगा तो छूट 50% का देगा तो बेचेगा कितने में, 50% में, ये भी हो गया एसपी। दोनों को हमने इक्वल कर दिया, अब 100 और 100 कैंसिल, इसे कट करे 3 टाइम में, एमपी यानी मार्केट प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, यही हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वह 20 मिनट आराम करता है, बताएं कि 3.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के लिए कछुआ को कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले ना आप एग्जैक्ट टाइम निकाल लीजिए कि उसे समय लगेगा कितना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल दिया नहीं है, सबसे पहले हम लोग इसकी चाल निकालेंगे, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, 1 किलोमीटर चलता है 4 घंटे में, यानी यही इसके लिए क्या हो गया चाल हो गया। अब निकालेंगे अगर इस चाल से चले तो उसे समय कितना लगेगा इतना किलोमीटर की यात्रा करने में, समय बराबर दूरी बटे चाल, इसे सॉल्व करेंगे तो 3.5 × 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा 14.0, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं 14 घंटा, इतना समय लगता कब अगर वो आराम नहीं करता, लेकिन कहता है प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वो 20 मिनट का आराम करता है। तो देखिए मान लिया जाए यहां से उसने चलना शुरू किया, फर्स्ट टाइम चला 1 किलोमीटर 20 मिनट का आराम, फिर सेकेंड टाइम चला 1 किलोमीटर फिर 20 मिनट का आराम, फिर थर्ड टाइम चला फिर 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हो गया ना, फिर 20 मिनट का आराम। अब उसे लेकिन 3 किलोमीटर तो वो चल चुका है, लेकिन क्या है कि उसे 3.5 किलोमीटर जाना है, तो अब आगे जो जाएगा तो सीधा वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, उसके बाद उसे आराम करने की जरूरत नहीं होगी। तो 20 मिनट 20 मिनट और 20 मिनट, कितना टाइम उन्होंने उसने आराम किया 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब कितना 1 घंटा आराम किया, 14 घंटा एक्चुअल में लग रहा था और 1 घंटा आराम किया, यानी कि 15 घंटे में वह पहुंच जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप को इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है तथा दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है, यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा।
खाली करने की बात है, इसका मतलब है कि भरने वाले से खाली करने वाले की कैपेसिटी ज्यादा है। ऐसे भी एक ए नल है और एक बी है, ये ना 8 घंटे में भरता है और बी जो है 5 घंटे में खाली कर देता है, यानी कि खाली करने वाले की कैपेसिटी ज्यादा है। इसका मतलब अगर ये तो 3/4 भाग भरा हुआ है, तब ना अगर खाली टंकी में भी हम इसे ओपन करें तो टंकी कभी भरेगा ही नहीं। अगर 3/4 भाग भरा हुआ है, मान लिया जाए यहां तक भरा हुआ है, चूंकि हम समझ रहे हैं कि जब खाली टंकी में अगर खोला जाए दोनों को, तो टंकी कभी भी नहीं भरेगी, वो उसे भरने ही नहीं देगा, क्योंकि जितना पानी वो भरेगा उससे कहीं ज्यादा वो खाली करता है। तो अगर इतना पानी भरा हुआ है, इसके बाद अगर आप टंकी मतलब चलाते हैं, नल को खोलते हैं, तब क्या होगा कि इसके ऊपर पानी वो नहीं जाएगा, यानी खाली जो करेगा इसी भाग को खाली करने में लग जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। सबसे पहले 8 और 5 का ले लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 40। 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 बार में, और 5 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो 8 बार में। 40 काम करने हैं, लेकिन 40 काम है नहीं करने के लिए, इसका 3/4 भाग ही है, यानी कि कितना भाग 30 भाग, यानी 30 ही काम करने के लिए है, इतना ही भाग पानी से भरा हुआ है, और खाली तो इसी को करेगा वो, क्योंकि आगे भरेगा नहीं। अब देखिए, ए 5 भाग भरता है और बी 8 भाग खाली करता है, तो ज्यादा काम तो बी ही कर रहा है ना, माइनस में कर रहा है, यानी 3 भाग वो खाली करता है 1 घंटे में, तो 30 भाग को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसे भागा दे देंगे, यानी कि 10 घंटे का समय लगेगा उसे टंकी को खाली करने में, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आता है जो कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप ना पाइप एंड टंकी एंड वर्क एंड टाइम की वीडियो प्लेलिस्ट में दे दी गई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के लिए इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत इसके संपूर्ण पृष्ठ के संख्यात्मक मान के बराबर है। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक गोला दे दिया गया है जिसका कि रेडियस 10 सेंटीमीटर है। अब कहता है इसका आयतन का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक छोड़िए, इतना समझिए कि इसका जो आयतन का मान है उसका कितना परसेंट इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मान है। तो चलिए, आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 πr³, ये होता है। मान लिया जाए इसका x परसेंट जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ है, यानी कि 4πr², ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ, इसको इक्वल टू कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए, 4π और 4π तो कैंसिल, यहाँ पे आर क्यू है, यहाँ पे r² तो ये कट करेंगे तो यहाँ पे r बच जाएगा, r का मान कितना 10, ओके, और यहाँ पे कितना है 3 × x / क्या हो जाएगा 100, इक्वल टू यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल, तो x का मान कितना हो जाएगा 30%, यानी कि कितना परसेंट है ये 30% है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 कोणों का योग और अंतर क्रमशः 135 डिग्री तथा पाई बटे 12 है, दोनों कोणों का डिग्री में मान क्या होगा। तो 2 कोण को आप x और y मान लीजिए, तो योग कितना दिया गया है 135 डिग्री, और दोनों का अंतर ना पाई बटे 12 है, तो पाई का मान डिग्री में 180 होता है और बटे इसे कर दीजिए 12, इसे कट कीजिए तो कितने बार में कटेगा 15 बार में, यानी कि इसका मान हो गया 15 डिग्री। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 150, अब इसे कट करें 2 से तो x का मान क्या हो जाएगा 75 डिग्री, और आपने चाहे तो यहीं से आंसर कलर कर सकते हैं क्योंकि 75 एक ही ऑप्शन में आपका दिया गया है। फिर भी हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये अगर समीकरण 1 और ये 2 है तो आप किसी भी एक से चलिए, ओके, समीकरण 1 से चलिए तो x + y = 135 डिग्री, x का मान 75 है जो कि इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 135 डिग्री - 75 इक्वल टू कितना निकल जाएगा आपका आंसर, ये निकल जाएगा 60 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चाहे तो आप इसे ऑप्शन से भी बना सकते थे कि ऑप्शन में जोड़ के देखिए किसका मान 135 आता है और किसे माइनस करने पे 15 डिग्री आता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है,
इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए, 3, 4, 5, ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि आप यहां से ऐसे देखिए, 3, 4 और 5, आपको अगर याद होगा तो ऐसे ही है, नहीं तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, आपका समकोण त्रिभुज है। अब इसी में क्या कहता है कि प्रत्येक के मध्य बिंदु को मिलाने से बनता है क्या, एक त्रिभुज। तो यहां से इसे ऐसे मिलाइए, इसे ऐसे मिलाया हमने और इसे ऐसे मिलाया, तो ठीक इसी के तरह का एक त्रिभुज इसके अंदर बना। आपको इसका ना क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ना, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 भाग होता है। तो चलिए इसे सॉल्व, सबसे पहले ना इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा हाफ इंटू क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये यानी कि हो जाएगा 4 इंटू 3। इसे कट करें 2 टाइम में कट जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी का 1/4 होता है, तो 1/4 निकाल देंगे हम इसका, 3 से कट कर दीजिए, सॉरी 2 टाइम में और ये 3 टाइम में, कितना आ जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया, कहता है कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिक के लिए एक कप्तान है, तो उस समूह में कप्तान की संख्या बताइए। टोटल इसमें कप्तान और सैनिक दोनों मिले हुए हैं और यात्रा कर रहे हैं। कहता है 15 सैनिक पर एक कप्तान, यानी कि एक जैसा कि अगर समूह बना जाए तो जितने समूह उतने कप्तान होंगे। तो एक समूह में देखिए 15 तो प्लेयर और प्लस एक कप्तान, यानी कि एक समूह में 16, ऐसा ऐसा 16 16 का ही बहुत सारा समूह है, तो जितने समूह होंगे उतने ही कप्तान की संख्या होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक समूह में 16 है तो 1200 में कितना समूह हो जाएगा, इसे 16 से डिवाइड कर देंगे हम। 16 से डिवाइड करेंगे तो 75 टाइम में ये कट हो जाएगा, यानी कि 75 समूह है, यानी कि इतने कप्तान की संख्या भी इतनी ही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, धन्यवाद। और एक चीज, बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो नोटिफिकेशन के लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो सब्सक्राइब का जो बटन होता है आप उसे क्लिक करें, उसके बाद फिर जो इस तरह का बेल आइकॉन बना होता है इसे जब आप प्रेस करेंगे ना, तो इस तरीके से वो बन जाएगा, तो वो नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, तभी जब मैं वीडियो दूंगी तब आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। देन धन्यवाद।